हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स आई एम प्रियंका एंड वी वर डूइंग स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स ऑफ क्लास 8 ओके okay, इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का स्क्वायर्स हो गया स्क्वायर रूट का एक मेथड भी हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन अब आती है बारी थोड़े से दिमाग को यू नो यूज़ करने की डिविजन मैथड डिविजन मैथड होता तो बहुत ईजी है बट फिर भी स्टेप्स को अच्छे से समझ लो तो फिर ईजी लगेगा तो ध्यान से देखना इस वीडियो को ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से समझना भी पड़ेगा ठीक है नाउ से डिविजन मैथड जो हमारा सेकंड मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद उसमें हम किस तरीके से स्क्वायर रूट निकालते हैं ठीक है तो ऐसे तुमको दिया हुआ है स्क्वायर रूट निकालना है तो तुम्हारा पहला स्टेप ये होगा तुम इसका रूट हटा के सिंपली उस नंबर को लिख दो ठीक है ये तो ईजी है अब उसके बाद में पीछे से यानी कि यूनिट डिजिट से पेयरिंग करना चालू करो मतलब दो दो नंबर का एक पेयर बना दो तो ट्वेंटी नाइन हमारा एक पेयर है फिफ्टी वन हमारा एक पेयर है और जो बच गया वो अपना अकेला वो वन को वन मानेंगे ठीक है एक पेयर ये हो गया अब हमने यहाँ पे हमको क्वेश्चन रखना है उसके लिए हमने जगह छोड़ी और यहाँ पे हमको डिवाइजर यानी किससे डिवाइड करना है उसके लिए जगह छोड़नी है और ये थोड़ा लंबा खींचा मैंने वो अपने आप समझ जाएगा तुमको क्यों मैंने इतना लंबा खींचा अब क्या करना है तुम जिससे भी डिवाइड करोगे याद रखो यहां पे भी वही नंबर लिखना यानी वन वन जार टू टू जार थ्री थ्री जार फोर फोर जार ऐसे ही यहां पे डिवाइड करना है ठीक है तुम थ्री फोर जार ट्वेल्व ऐसे नहीं लिख सकते अगर यहां थ्री लिखा है तो यहां पे भी थ्री लिखना पड़ेगा तो मुझे ये वन को डिवाइड करना है तो मैं वन वन जार करी वन आया ये कट गया अब ये पूरा का पूरा पैर नीचे उतरता है एक साथ 51 ठीक है और यहाँ क्या होता है अभी अभी जो तुमने यहाँ नंबर लिखा उसी को फिर से ऐड करो और लिख दो तो ये हुआ टू पर मैंने यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ी है कितनी जगह छोड़नी है एक नंबर आ सके बस उतनी जगह छोड़ दो ओके okay. अब यहाँ पे है टू अब तुम देखोगे टू के आगे तुम कोई नंबर लगाओ समझ लो तुम सोचते हो कि ओके मैं थ्री लगाता हूँ थ्री लगाते हो तो थ्री से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब देखो ट्वेंटी थी थ्री दर कितना होता है सिक्सटी नाइन सिक्सटी नाइन तो बड़ा नंबर है फिफ्टी वन से तो ये तो नहीं हो सकता थ्री नहीं लगा सकते तो क्या लगाओगे टू लगाओगे टू लगाओगे तो टू से ही मल्टीप्लाई करना ये आ रहा है फोर्टी फोर ठीक है ये छोटा नंबर है फोर्टी फोर तो हमने लिखा ट्वेंटी टू टू जार फोर्टी फोर ठीक है आया सेवन और इस बार ये वाली पेयर उतर रही है ट्वेंटी नाइन ठीक है यहां पे मैंने क्या बोला था जो नंबर अभी अभी लिखा है उसी को ऐड करो अभी अभी मैंने ये टू लिखा था तो इसी को ऐड करते हैं ट्वेंटी टू प्लस टू कितना होता है ट्वेंटी फोर पर देखो मैंने ट्वेंटी फोर को थोड़ा सा पीछे की तरफ लिखा क्यों क्योंकि मुझे यहां पे थोड़ी सी जगह चाहिए एक नंबर लिखने जितने अब देखो यहां पे वापस से रफ में देखो ट्वेंटी तो हमारे पास है अब यहां कोई ऐसा नंबर लिखो समझ लो मैंने लिखा फोर तो तुमको फोर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे नंबर को नाइन सेवेंटी सिक्स ये तो बहुत बड़ा नंबर है तो फोर तो नहीं लग सकता फोर से छोटा नंबर लो तो मैं थ्री लेकर के देखती हूँ तो नीचे भी थ्री 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 वो या नाइन थ्री फोर या ट्वेल्व ये पूरा 729 आ गया तो कितना आया 243 फोर्टी थ्री थ्री और ये पूरा कट गया दैट मीन्स हमारा आंसर कहाँ है परफेक्ट स्क्वायर जो है ये ये तो परफेक्ट स्क्वायर है बट स्क्वायर रूट कहाँ है स्क्वायर रूट इज दिस यानी 123 ट्वेंटी थ्री इज आर आंसर इसका मतलब क्या है 123 को 123 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर सेम ही आएगा 15129 ठीक है चलो एक सब और करते हैं बहुत जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट होगा ये सब ठीक है एक और करते हैं so ये हमारे पास सेकेंड नंबर है देखो वन जीरो पीछे से पेरिंग ली ट्वेंटी फाइव जीरो फोर वन अकेला बज गया फिर से यहां हम क्वेश्चन लिखेंगे हम डिवाइड करेंगे वन है ना तो वन 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 ठीक है खत्म हुआ जीरो फोर वाला पेयर है जीरो फोर वाला पेयर उतरा यहाँ पे क्या था वन तो वन ही ऐड करो टू अब देखो टू है अब इसके आगे तुम क्या नंबर लगाओगे वन सो ट्वेंटी वन वन से भी ट्वेंटी वन होता है फोर से बड़ा नंबर है अब वन से छोटा नंबर तुम क्या लगा रहे हो जीरो तो लगा नहीं सकते पूरा चीज ही जीरो हो जाएगा तो इतना छोटा नंबर है ट्वेंटी वन कि हम मैंने वन लगाएं तो भी पॉसिबल नहीं है तो ऐसे में हमको एक और पैर की ज़रूरत पड़ेगी बट ये डिवाइड में तुम लोगों को पता है एक ही बार में दो तो नहीं उतर सकते उतारने के लिए यहाँ क्या रूल है उतारने के लिए अगर तुम यहाँ पे दूसरा भी इसी टाइम उतारना चाहते हो तो तुम इधर क्या करोगे एक ज़ीरो लगाओगे एक ज़ीरो लगाओगे अब तुम उतार सकते हो ठीक है और अब आगे का पार्ट करो अब तुम्हारे पास है नंबर ट्वेंटी अब इसके आगे सोचो क्या तो मैं अगर सोचती हूँ कि फ़ाइव देखते हैं तो फाइव से ही करो मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव फाइव टू जी टेन वन जीरो टू फाइव यहाँ तो फोर सिक्सटी फाइव है बहुत बड़ा नंबर है ये तो तो छोटा करें सो तो इसको मैं करूँ अगर टू से सो टू से तो टू से, तो टू से ही करना पड़ेगा फोर ज़ीरो फोर हाँ ये ठीक है सो टू हंड्रेड एंड टू और यहाँ पे भी टू सो फोर ज़ीरो फोर आया ठीक है अब ये लास्ट पे ट्वेंटी नाइन उतरता है और यहां हम क्या करेंगे यहाँ पे अभी अभी जो नंबर लिखा था टू उसी को ऐड करते तो होता है टू ज़ीरो फोर और देखो मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी है फिर से एक डिजिट लिखने जितने अब टू जीरो फोर यहाँ क्या नंबर लिखे हैं यहाँ नाइन दिख रहा है मुझे तो थ्री करके देखते हैं थ्री तो थ्री से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्री थ्री जो नाइन थ्री फो जर ट्वेल्व थ्री टू जर सिक्स सिक्स वन टू नाइन आ गया सो so, थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए ये भी चेक कर लिया करो आ गया सिक्स वन टू नाइन पूरा कैंसिल तो हमको मिल गया हमारा आंसर वन थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ओके अब देखो ये स्क्वायर रूट ये अभी हमको डिवीजन मेथड से ही करना है उसमें पहले वाले में और इसमें क्या डिफरेंस है यहां डेसिमल है तो जब हम डेसिमल से डिवीजन मेथड करते हैं तो एक रूल थोड़ा सा चेंज क्या होता है खाली जब हम पेयरिंग कर रहे हैं वो पेयरिंग वाला तो क्या होगा देखो पहले मैंने ये नंबर उतारा वापस से यहां पे वन पॉइंट वन ठीक है अब पेयरिंग क्या करते समझ ली खाली 147 होता एक होल नंबर होता है तो हम क्या करते हैं पीछे से पेयरिंग देते ये दो का हुआ बचा एक राइट तो यहाँ पे भी होल नंबर क्या है 147 इसको तो डेसिमल नंबर बोलते हैं ना तो होल नंबर में होल नंबर वाला रूल ही हम यूज़ करेंगे तो होल नंबर में हमने पीछे से पेयरिंग चालू की मतलब यूनिट डिजिट से फोर्टी सेवन ए पेयर हो गया वन अलग लेकिन डेसिमल नंबर में हम यहां आगे से मतलब वाले पार्ट से हम करते हैं पेयरिंग यहां से पेयरिंग चालू करोगे पीछे से नहीं तो पहले तुम वन थ्री देखो फिर सिक्स नाइन देखो ठीक है कभी कभी पांच होते हैं ना तो लास्ट वाला अलग छूट जाता है ये ध्यान रखना बस इतना सा फर्क है बाकी तो वही ही डिविजन मैथड है ठीक है और इस डेसीमल का क्या करना है वो भी बता देती हूँ तो देखो पहला नंबर वन है तो वो तो वन वन जर वन जा रहा है हमारा चलो ये खत्म 47 सेवन में उतरा यहाँ पे हमने वन से ऐड किया टू हो गया अब मैं यहाँ क्या रखू टू रखती हूँ ट्वेंटी टू 44 फोर्टी फोर होता है तो बचा थ्री अब डेसिमल की बारी आई तो यहाँ नहीं उसको आंसर वाले पार्ट में उतार दो दैट सेट और अब ये थर्टीन को यहाँ उतार दो बस इतना सा करना है और यहाँ क्या करना है जो अभी अभी लिखा उसी को ऐड किया ट्वेंटी फोर अब यहाँ सोचो क्या होगा सो so, टू लाने से ही बड़ा हो जाएगा तो हमको वन ही करना पड़ेगा टू फोर्टी वन वन जार टू फोर्टी वन ये टू हुआ सेवन हुआ अब ये लास्ट पेयर उतर रहा है सिक्सटी नाइन ठीक है और यहाँ पे वन ऐड किया सो टू फोर टू हमारे पास है अभी हम क्या रखें नाइन है तो शायद थ्री से चला जाए तो हम थ्री से करते हैं यहाँ पे भी थ्री अब थ्री से टू फोर टू थ्री को करो थ्री थ्री ज़ार नाइन थ्री टू ज़ार सिक्स थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व और ये सेवन हो गया पूरा कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर है ट्वेल्व पॉइंट वन थ्री मतलब ट्वेल्व पॉइंट को ट्वेल्व पॉइंट वन थ्री से मल्टीप्लाई करो तो ये आता है ठीक है सो डिवीजन मेथड में ही अब कुछ डिफरेंट टाइप के सम्स करते हैं जैसे पहला नंबर ये देखो फाइन द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एट नाइन थ्री थ्री जीरो फोर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर दैट means 893304 is not a perfect square. इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर कुछ इसमें से सब्ट्रैक करेंगे तो ये बन जाएगा तो जब भी ये लिखा हो कि सब्ट्रैक करो तब बनेगा इसका मतलब ही हमको डिविजन मैथड करना है समझ लो तुम्हारे सब में देखो कहीं नहीं लिखा है कि डिवीजन मैथड से करो बट क्योंकि कुछ सब्ट्रैक करना है मतलब ये डिवीजन मैथड ही लगेगा इसमें प्राइम फैक्ट्राइजेशन से आंसर ही नहीं आएगा तो हम करते हैं एट नाइन थ्री थ्री जीरो फोर ये नंबर उतारा और हम इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे दो हमको पता ही ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं पीछे से पेरिंग करते हैं ठीक है अब पहला नंबर है एट्टी नाइन तो नाइन नाइन ज़ार एट्टी वन नाइन नाइन ज़ार एट्टी वन ठीक है एट थर्टी थ्री नीचे होता है पैर पूरा यहाँ पे नाइन था तो नाइन ऐड किया वन एट तो है ही अब वन एट है तो क्या करें फाइव से करके देखते हैं फाइव फाइव ज़ार नाइन ट्वेंटी फाइव हो रहा है बड़ा हो रहा है इसका मतलब फोर से जाएगा ठीक है तो फोर से फोर 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 जाए सिक्सटीन सेवन थर्टी सिक्स ठीक है अब हम इसको करते हैं थर्टीन में से सिक्स गया सेवन ट्वेल्व में से थ्री नाइन नाइन्टी सेवन और ये जीरो फोर इधर उतर गया इधर क्या था फोर लिखा था ना तो अभी अभी फोर लिखा था तो फोर को ही ऐड करेंगे वन एट्टी एट ओके वन एट्टी एट हुआ और नाइन सेवन जीरो फोर है अब हम सोचते हैं सबसे पास का जो नंबर आ सके सो वन एट एट ओके चलो मन से करते हैं लेट्स सी सिक्स करें अगर तो सिक्स तो बड़ा ही होगा फोर करके देखते हैं चलो सेवन फाइव थ्री सिक्स ये तो जा रहा है एक बार फाइव करके देख लेते हैं नाइन फोर टू फाइव फाइव भी जा रहा है तो फाइव से ही करते हैं ठीक है नाइन फोर टू फाइव आ रहा है सो so, हमने फाइव से किया वन एट एट फाइव फाइव जार नाइन फोर टू फाइव अब देखो 279 बच गया अब हम न तो कुछ निकालने को है न आगे कुछ करने से बड़ा नंबर ही आएगा तो ये 279 हमको एक्स्ट्रा पड़ गया क्वेश्चन क्या था वॉट शुड बी सब्ट्रैक्टेड सो दिस शुड बी सब्ट्रैक्टेड तो हमारा आंसर यहां पे वो नहीं है 945 फोर्टी फाइव यहां पर है 279 सेवेंटी नाइन इज द आंसर कि 279 सेवेंटी नाइन मस्ट बी सब्ट्रेक्टेड टू मेक द नंबर अ परफेक्ट स्क्वायर ठीक है समझ रहे हो क्यों ऐसा हो रहा है बिकॉज यही तो एक्स्ट्रा था ना अब हम इस एक्स्ट्रा पार्ट को अगर हटा देंगे इसमें से तब तो पूरा पूरा कटे गए ठीक है आगे ये भी आ सकता है कि आ, वो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है बताओ तो 279 माइनस करके दिखा दो ओके और उससे क्या होगा उससे आंसर तुम्हारा यही आएगा ठीक 945 से कट जाएगा तो ऐसे समझ भी होंगे ठीक है बट मेन पार्ट क्या है सब्ट्रैक्टेड मतलब जो लास्ट में रिमाइंडर बच जाए बस वही हमारा ओके नाउ सेकंड नंबर देखो इसमें लिखा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू नाइन टू टू फाइव टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर पिछला वाला सम था सब क्या करें तो रिमाइंडर से हो गया अब बोल रहा है इसमें क्या ऐड करें मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है तो चलो सबसे पहले दे देखते हैं कि कहाँ तक स्क्वायर रूट के मैथड के थ्रू हो पा रहा है मतलब डिविजन मैथड के थ्रू तो पीछे से पेयरिंग करते हैं और कोशिश कर दे नाइनटी टू नाइन नाइन एट्टी वन लास्ट यही है इसके बाद तो होगा नहीं सो नाइन नाइन एट्टी वन इलेवन और ये नीचे ट्वेंटी फाइव उतरा यहाँ पे नाइन पे नाइन ऐड किया एटीन अब हम क्या करें वन एट सेवन देखते हैं सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे वन थ्री नाइन बड़ा हो रहा है सो so, सिक्स से देख लो वन 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 सिक्स ये हो रहा है सो वन एटी सिक्स सिक्स ठीक है सो so ये कितना आया था वन 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 सिक्स ओके नाइन जीरो दैट मीन सिर्फ नाइन बच रहा है ठीक है तो यहां पे हमको रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है मेन पार्ट क्या था कि नाइनटी सिक्स का स्क्वायर तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था फिर ये नम्ब, एक्स्ट्रा नंबर आ गए तो अब नाइनटी सिक्स का स्क्वायर क्या होता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है तो आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा तरीका अलग है स्क्वाय uh, uh, वाले में तो फटाफट आ जाता है अब इसमें तुम आंसर वाले पे गौर करोगे तुम बोलोगे 96 का स्क्वायर तो है वो तो परफेक्ट स्क्वायर होता है लेकिन ये नंबर तो 96 के स्क्वायर से थोड़ा सा ज़्यादा ही है तभी ये नाइन रिमाइंडर हो रहा है नाइन्टी के स्क्वायर के बाद नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होना चाहिए नाइन्टी का स्क्वायर राइट right? इसके बाद तो यही होगा देखते हैं नाइन्टी का स्क्वायर क्या है 96 सिक्स का स्क्वायर भी देख लो क्या है सो so, हम देखते हैं नाइन्टी सेवन का स्क्वायर क्या ठीक yeah. है नाइन फोर जीरो नाइन इज अ परफेक्ट स्क्वायर अभी हमारा नंबर देखो नाइन टू टू फाइव काफी छोटा है नाइन फोर जीरो नाइन के लिए और नाइनटी सिक्स का स्क्वायर क्या था सो डिवीजन मेथड भी खत्म हो गया और उसी के साथ ये चैप्टर दैट इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स भी खत्म हो गया डिवीजन मेथड को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट होगा ठीक है ऐसे भी मैं बोलती हूँ एटलीस्ट फाइव सम्स अ डे तो आप देख लो तुमको कितना करना है ये तो एटलीस्ट है राइट right? अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल और अभी तक अगर अपने फ्रेंड्स को नहीं बताए हो तो प्लीज़ कन्वे दिस टू तो योर फ्रेंड्स दैट तो ब्रेन तो बॉक्स ट्यूटोरियल्स में आके पढ़ो मैथ्स राइट ओके बाय बाय जय हिंद ये था नाइन टू वन सिक्स अब तुम देख पा रहे हो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नाइन टू वन सिक्स है जिससे ये थोड़ा सा बड़ा हो गया और एक उसके बाद नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नाइन फोर जीरो नाइन ही आता है जिससे ये छोटा हो गया हमारे लिए क्वेश्चन था व्हाट मस्ट बी एडेड तो अब हम नाइन टू टू फाइव को नाइन फोर जीरो नाइन में तो बदल सकते हैं देखते हैं कितना ऐड करें सो नाइन फोर जीरो नाइन होता तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता हमारे पास क्या है नाइन टू टू फाइव माइनस करके देखो पता चल जाएगा कितना छोटा है 184 नंबर और इसमें ऐड हो जाए तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा तो यहां क्वेश्चन था कि व्हाट मस्ट बी एडेड तो 184 मस्ट बी एडेड ठीक है सो तुम इसको लिखोगे कैसे देखो वो देख लो 184 ऐड करना था हमको सो so, हम लिखेंगे 97 का स्क्वायर ठीक है इज इक्वल टू 9409. देयरफॉर द नंबर विच शुड बी एडेड नाइन फोर जीरो नाइन में से माइनस कर दो ये नाइन टू टू फाइव और तुम्हारा आंसर आ जाएगा कितना आया था हमारा वन एटी फोर सो दिस विल बी आर आंसर ठीक है अब देखो हमारा ये सम यहां लिखा है ई वैल्यूट जीरो पॉइंट नाइन स्क्वायर रूट ऑफ जीरो पॉइंट नाइन करेक्ट अप टू थ्री डेसिमल प्लेसेस कभी भी कोई ऐसा आ जाए हमको स्क्वायर रूट निकालना है और बोल रहा है करेक्ट अप टू थ्री डेसिमल प्लेसेस निकालो टू डेसिमल प्लेसेस निकालो एक चीज़ तो पक्की है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो नहीं होने वाला यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है बट ऐसे सम को हम डिवीजन मेथड से ही करते हैं ठीक है और करते टाइम क्या करते हो डिवीजन मेथड में हम सबसे पहला काम क्या करते हैं जो नंबर होता है वो बिना रूट के उतार देते हैं तो उतारा बट यहाँ पे एक और काम क्या करोगे यहाँ पे बोल रहा है करेक्ट अप टू थ्री डेसिमल प्लेस तो हम इससे एक एक्स्ट्रा दैट इज़ फोर डेसिमल प्लेस तक हम खुद ही नंबर बना देंगे वो कैसे बनाए जीरो लगाकर तो देखो नाइन के आगे एक जीरो लगाओ तो ये एक पेयर ये वन डेसिमल प्लेस माना जाएगा फिर दो जीरो लगा दो ये एक पैर टू डेसिमल प्लेस थ्री डेसिमल प्लेस फोर डेसिमल प्लेस ये तो हमने बना दिया ठीक है उसके बाद में अब तुम अपना सम सॉल्व करना चालू करो तो तुमने यहाँ डिवाइजर के लिए किया वहाँ क्वेश्चन के लिए जगह नहीं है तो तुम जो डिविडेंड को है वो ऊपर भी हम लिखते हैं ना तो हम ऊपर भी लिख देंगे डिविडेंड नहीं सॉरी क्वेश्चन को ऊपर भी लिख देंगे अब देखो यहाँ पे सबसे पहला ना जीरो से जीरो तो ये तो जीरो जीरो जार जीरो होता है ये तो ख़त्म हो गया डेसीमल आया उसको हमने तुरंत आंसर में शिफ्ट किया नाइन्टी नीचे आया जीरो पे जीरो ऐड हुआ यानी कि कुछ नहीं अब यहाँ तुम क्या लिख सकते हो मैक्सिमम uh, नाइन लिख सकते हो सो so ये आएगा एट्टी वन नाइन ये पहला डबल ज़ीरो उतरा यहाँ पे नाइन नाइन और नाइन एटीन ओके अब यहाँ सोचो क्या हो सकता है एट से करे अगर तो बड़ा हो जाएगा सेवन से करोगे तो भी बड़ा हो जाएगा आई थिंक ये फाइव से जाना चाहिए लैक्सी वन एट्टी फाइव 925 ट्वेंटी फाइव भी बड़ा हो रहा है थोड़ा सा तो फोर से ठीक है सो ये फोर से गया फोर फोर जा सिक्सटीन सेवन थर्टी सिक्स फोर सिक्स वन सिक्सटी फोर अब ये नेक्स्ट उतरा डबल जीरो यहां पे फोर ऐड हुआ वन एट एट वन एट एट तो ऑलरेडी है ठीक है वन एट 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 से करके देखें तो एट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वन फाइव वन जीरो फोर यही जाएगा नौ नाइन से तो बड़ा हो जाएगा सो so, एट यहाँ पे भी एट सो so, कितना आया था वन फाइव वन जीरो फोर ओके सिक्स नाइन टू वन अब लास्ट पेयर उतर रहा है डबल जीरो यहाँ पे एट लास्ट में था तो एट ही ऐड करोगे वन एट नाइन सिक्स वन एट नाइन सिक्स को फाइव से करके देखते हैं नाइन फोर एट टू फाइव वन एट नाइन सिक्स को सिक्स से करके देख लो यही जा रहा है सो so, सिक्स से जाएगा सिक्स से गया अब हमारे को यहाँ पे और आगे करना नहीं है इसलिए इसको सब करक करके दिखाना चाहो तो दिखाओ अदरवाइज छोड़ दो हमको मेन आंसर हमारा यहाँ आ गया अब क्वेश्चन में पूछ रहा है अप टू थ्री डेसिमल प्लेस मैंने निकाल के छोड़ दिया कितना अप टू फोर डेसिमल प्लेस ऐसा क्यों मैम सो so, ऐसा इसलिए बिकॉज जब भी कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि अप टू फोर डेसिमल प्लेस निकालो अप टू फाइव डेसिमल प्लेस निकालो तुमको हमेशा उससे एक एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा वो हमने निकाला ठीक है मैं यहाँ आंसर लिखती हूँ हमारा आंसर आया जीरो पॉइंट नाइन फोर एट सिक्स ठीक है हमको थ्री डेसिमल चाहिए यानी यहाँ तक चाहिए ओके सो so, इसके जस्ट बाद का नंबर देखो क्या ये फोर से बड़ा है मतलब फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ऐसा नंबर है हाँ है इसका मतलब ये जहाँ पे ये जो नंबर है इसमें तुम प्लस वन कर दो यानी कि तुम्हारा आंसर हो गया नाइन फोर और क्योंकि ये नंबर फोर से बड़ा है तो तुम एट के बाद वाला नंबर क्या होता है नाइन तो तुम यहाँ लिख दोगे नाइन अब ये हो गया थ्री डेसिमल प्लेस इसीलिए हमेशा जितना भी बोले उसे एक, एक एक्स्ट्रा निकालो चेक करो उसके बाद आंसर करो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एट की जगह होता यहाँ पे सिक्स की जगह होता थ्री तब हम क्या आंसर लिखते तो फिर हम इसके बाद में चेक करते क्या ये फोर से बड़ा नंबर है नहीं है इसका मतलब आंसर बस यहीं तक होता जीरो पॉइंट नाइन फोर एट एज इट इज़ उतार देते थ्री को छोड़ देते